सो गाइज, क्या अभी कोई भी एमडिक्स लिंक को ओपन करते हैं तो गाइज वहां पर जो एमडिक्स लिंक जो होती है वो आपकी काम नहीं कर देती, यानी कि ओपन नहीं हो रहे है और इनवैलिड देखने को मिल रहा है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि दोस्तों यहां पर मेरे टेलीग्राम में एक एमडिक्स लिंक है, यानी कि इस पर यहां पर हम जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं ये यहां पर जो एमडिक्स लिंक दी हुई है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो ये एमडेक्स लिंक है ये ओपन नहीं हो रही होती है, तो गाइज इसे कैसे आपको ओपन कराना है, कैसे आपको वर्क कराना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप आसानी तरीके से अपनी जो एमडेक्स लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं दो स्टेप बताऊँगा जिसके सहारे से आप यहाँ पर एमडिक्स लिंक को ओपन करा सकते हैं आसानी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कौन सा स्टेप पहले करना है वो यहाँ पर जान लेते हैं। दो स्टेप से आप यहाँ पर जो है अपने एमडिक्स लिंक को ओपन करा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। तो गाइस क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको सर्च करना है एमडिक्स लिंक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं एमडिक्स लिंक। सर्च कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये एमडेक्स लिंक सर्च कर ले। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कौन सी वेबसाइट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है उसके बारे में जान लेते हैं। आपको अदर वेबसाइट पर नहीं क्लिक करना है, जो मैं आपको बताऊँगा उसी वेबसाइट पर जो है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम वेबसाइट को ढूँढ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक ये लिंक आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जिसमें वाई का लोगो आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस इसी पर आपको जो है क्लिक कर देना है। अब गाइस जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं, अब उसके बाद दोस्तों वही लिंक आपको जो है एमडिक्स लिंक आपको वहाँ से कॉपी करना है और इसमें पेस्ट करना है। तो चलिए दोस्तों वहाँ पर हम चलते हैं टेलीग्राम पर और टेलीग्राम से यहाँ पर हम एमडिक्स लिंक को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें आपको यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट कर देते हैं, देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है। अब गाइस जैसे यहाँ पर आप सर्च करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर देना है यहाँ पर भी। ओपन कर देना, ठीक है। तो गाइस जैसे आप यहां पर ओपन कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आपके सामने जो एमडेक्स लिंक यहां पर जी न्यूज़ की यहां पर हमारे पास थी वो यहां पर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप वेबसाइट के थ्रू यहां पर अपनी एमडेक्स लिंक को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ पर आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है। तो गाइस प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऐप सर्च करनी है एमडेक्स नाम से। तो गाइस यहाँ पर एमडेक्स नाम से ये वाली ऐप को आपको देखने को मिल रही है, ये वाली। तो गाइस इस ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस ऐप को यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। अब गाइस जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी एमडेक्स लिंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी आपकी शो अप कर लेगी। तो गाइस जैसे यहाँ पर आपकी लिंक जो है शो अप कर रहेगी और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है चलेगी। अब यहाँ पर आपको यस कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर परमिशन मांगता है, वो आपको सारी अलाउ कर लेनी है। कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है प्रॉपर तरीके से अगर आपकी लिंक होगी तो ही यहाँ पर आपकी वर्क करेगी। अगर आपकी प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं है तो यहाँ पर ऐप के अंदर आपकी प्रॉपर तरीके से जो है लिंक वर्क नहीं करेगी। तो गाइज हो सकता है यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिले, लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको वेबसाइट से बताया उससे आप करते हैं तो 100% आपकी वहाँ पर जो है एमडेक्स लिंक आसानी तरीके से ओपन हो जाएगी। गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर